तो आखिरकार ड्रैगन बॉल एनिमे से इतने सालों बाद जाकर कोई एनिमे अब हमें देखने के लिए मिला है, जो कि है ड्रैगन बॉल दायमा, जिसका एपिसोड 1 तुम सभी ने अभी तक देख लिया होगा। और अगर नहीं भी देखा है तो मैं तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम उस एपिसोड को भी जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि एपिसोड में काफी कुछ मिस्टीरियस डिटेल्स हैं जिसे अभी तक ड्रैगन बॉल के एनिमे में या उसकी मांगाज में अभी तक हमें नहीं बताया गया था, जो कि एक राज ही था जिसे अब धीरे धीरे इसमें रिवील किया जा रहा है। जिससे मुझे ये तो समझ में आया है कि ड्रैगन बॉल का एक अलग से एनिमे ये जो लेकर आए हैं, जैसे कि ड्रैगन बॉल दायमा है जो कि अलग सी स्टोरी लेकर चलेगा, वो इन्होंने क्यों बनाया है। जिसके एपिसोड 1 को देखने के बाद तो ये समझ में आ रहा है कि वो काफी कुछ मिस्टीरियस डिटेल्स को दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में उन्होंने अभी तक बात नहीं की थी या उन्हें अधूरा छोड़ा हुआ था। जैसे कि डीमन किंग दबूरा के बारे में, उसके रियल्म के बारे में, जिस पर ये स्टोरी पूरी तरह से बेस है, और साथ ही ड्रैगन बॉल में मैजिक का क्या लेना देना है उसको लेकर भी हमें इसमें दिखाया गया है। साथ ही ये नेमेकियंस आखिर है क्या, आखिर ये धरती पर आए कैसे, ड्रैगन बॉल सुपर के ग्रेनोला आर्क में तो हिंट हमें दिए गए थे, जिसे और थोड़ा डिटेल में इसमें दिखाया गया है। साथ ही नेमेकियंस की पावर किस लेवल पर है वो भी हमें दिखाया गया है, साथ ही उनका ड्रैगन बॉल से कनेक्शन किस तरह से है, ये सभी चीजें इसमें दिखाई गई है। अब देखो इतने टाइम बाद ये आया है, तो मैंने सोचा इस पर बनानी चाहिए, मैं भी एपिसोड वाइज इस पर एक्सप्लेनेशन दूंगा जो कि मेरे तरीके से होगा, और जो भी डिटेल्स या हिडन डिटेल्स मुझे पता चली है वो तुम्हें मैं बताऊंगा, जो कि एपिसोड्स में हमें दिखाई गई है। बाकी इस एनिमे के पहले एपिसोड को देखने के बाद तो यही मुझे दिखाई दिया है कि इन्होंने एकदम न्यू तरीके से नए ऑडियंस को जोड़ने के लिए एकदम बिल्कुल शुरुआत से स्टोरी को हमें बताया है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। अब देखो मैं एक्सप्लेनेशन आगे शुरू करूंगा इस एपिसोड वाइज की बिल्कुल अपने तरीके से एकदम फास्ट पेस में, जिसमें तुम्हें मजा भी आए और तुम्हें स्टोरी और डिटेल्स भी समझ में आए। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं आगे भी ऐसे एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे सकूं। बाकी मुझे लगता है कि तुम भी इस वीडियो का काफी समय से इंतजार कर ही रहे होगे, और अगर वीडियो आगे लास्ट तक पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मुझे ये भी पता है कि एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन थोड़ा लेट है, बाकी एपिसोड जब 2 आएगा उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम्हें वीडियो पर सपोर्ट दिखाना है, जिसकी वजह से ही तुम्हें एकदम टाइम पर वीडियो जरूर मिलेगी। और एपिसोड 1 अगर तुमने देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो में ये जो हिडन डिटेल्स है तुम्हें जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट करके जरूर बताना, और तुम्हें कैसा महसूस हुआ है इन्हें देखने के बाद ये भी जरूर बताना। तो देखो एपिसोड 1 की शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से होती है, जिसमें हमें ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि ये मिस्टीरियस ड्रैगन बॉल्स धरती पर आए हैं जो कि तुम्हारी विशेष को पूरा करते हैं, जो कि एक सेनरॉन नाम का ड्रैगन आता है जिन्हें इन 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने के बाद वो तुम्हें दिखाई देगा एक पासवर्ड कहने के बाद ही। जिसके बाद हमें हमारे गोकू का इंट्रो दिखाया जाता है, जो कि एकदम बेसलेस है ड्रैगन बॉल फैंस के लिए, क्योंकि गोकू को कौन नहीं जानता है। तो उसके बारे में हमें बताया जाता है कि उसने बचपन से कितने सारे एडवेंचर किए हैं और उसने कितनी बार ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करते हुए वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ता रहा है, और उसे इकट्ठा करते हुए उसे कितनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है, जो कि अब यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर भी माना जाता है। और साथ ही जब उसे सेयन ट्राइब के बारे में जब ही पता चला, जब उसका भाई उससे मिलने के लिए उस पर अर्थ पर आया था और उसके बारे में उसको बताया था कि वो भी एक सेयन है, जिसके बाद उसने कई सारे विलन से लड़ाई की और अर्थ को कई बार उसने बचाया। अब इतने सारे इविलनेस से अर्थ को बचाने के बाद भी अब एक और थ्रेट अर्थ पर आया है, जिसके बारे में अभी हम धीरे धीरे आगे जानते हैं। यहाँ हमें कहानी की शुरुआत में यह देखने के लिए मिलता है कि सभी के सभी कैरेक्टर्स एक जगह पर इकट्ठा है और सभी ट्रंक्स के बर्थडे पार्टी में आए हुए हैं, जिसमें एपिसोड 1 का नाम कॉन्स्पिरेसी हमें दिखाया जाता है, और उसी बीच जो नया थ्रेट है उसके बारे में हमें दिखाया जाता है। हमें एक नया डीमन रियल्म दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें डीमन दिखाए जाते हैं। साथ ही ये कैरेक्टर्स उन सभी सेयन वॉरियर्स के बारे में जान रहे होते हैं और माजिन बू के टाइम पे जो भी हुआ था उस सभी चीजों को एक बड़े से स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जो कि ये मैजिक की मदद से करते हैं। और ये डीमन रियल्म के डीमन्स होते हैं, जिसमें एक सुप्रीम काय जैसा कैरेक्टर होता है जो कि अपने रियल वर्ल्ड के सुप्रीम काय का ही एक भाई होता है। अब हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि वो सभी कैरेक्टर्स के बारे में जान रहे होते हैं, और वो इसलिए जान रहे होते हैं क्योंकि उनका किंग यानी डबूरा वहाँ होता है, जिसे बॉबीडी द्वारा काबू किया गया होता है, जिसे देखकर ही ये जो छोटा सा कैरेक्टर होता है जो कि आगे जाके हमें डीमन किंग ही बनता हुआ दिखाई देगा, ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि इसने आखिर कैसे इतने आसानी से एक डीमन किंग को अपने काबू में कर रखा है, आखिर ये किस तरह का मैजिक इस्तेमाल करता है। अब ये जो बातें कर रहा होता है इसका नाम
नाम गोमा होता है, जिसका ध्यान एकदम ही गोकू की तरफ जाता है और उनकी बातें वो सुनते हुए गोकू वहाँ कह रहा होता है कि क्या ये डबूरा सच में इतना ज्यादा पावरफुल है, जिसका जवाब देते हुए वहाँ सुप्रीम काय कहता है कि ये हाँ काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये डार्क डेमन वर्ल्ड का किंग है। जिसे सुनकर क्रिलिन और बाकी सब वहाँ हैरान होते हैं कि क्या डार्क डेमन वर्ल्ड ऐसा भी कोई वर्ल्ड है। और वैसे ही वर्ल्ड को हम यहाँ देख रहे होते हैं जिसमें एक और करेक्टर जो खड़ा होता है डेगुसू, वहीं यहाँ हमें पता चलता है कि वो सुप्रीम काय का एक भाई है जो कि डीमन रियल्म का एक कायोसिन है और यूनिवर्स 7 का कायोसिन उसका बड़ा भाई है। अब वहाँ वो ऐसे ही उन सभी को देख रहे होते हैं, तभी वो सेयंस वॉरियर को देखते हैं और वहाँ वो एपिक सीन आता है जिस जगह पर हमें माजिन वेजिटा देखने के लिए मिलता है और वहाँ उसकी वो पावर देखकर वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ह्यूमन बींग्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं, ये तो डीमन भी नहीं है, इनके कान हमारी तरह एकदम नुकीले भी नहीं है, या आखिर इतने पावरफुल कैसे हैं, ये अपने हाथों से कीवे फेंक सकते हैं, यहाँ तक कि ये हवा में भी उड़ सकते हैं। ये सब चीज देखकर ही ये सब बातें वो कह रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब यहाँ माजिन बू का जब जन्म होते हुए देखते हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वहाँ पर इतनी ज्यादा पावर एकदम ही कैसे आ रही है। और वहाँ वो इस चीज को देखकर सबसे ज्यादा हैरान होते हैं कि जब माजिन बू एकदम ही निकल कर वहाँ आता है तो वो आते ही डबूरा को सिर्फ एक ही झटके में वहीं मार देता है, यानी उसे चॉकलेट बनाकर खा लेता है, जिसे देखकर गोमा काफी ज्यादा हैरान और डरा हुआ होता है। तभी डगेसू कहता है कि ये तो आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि डबूरा के बाद तो अब डीमन रियल्म के किंग आप ही है, जिसे देखकर अब वो खुश भी होते हैं। और आगे जब वो देखते हैं कि माजिन बू ने बाबिडी को भी एक ही झटके में मार दिया है तो उन लोगों की एक परेशानी भी दूर हो गई है कि बाबिडी जैसा कैरेक्टर उनके सामने से अब गायब हो चुका है, उनके रास्ते से अब एकदम साफ हो चुका है। अब इसके बाद वो वहाँ पर अर्थ के ड्रैगन को देखते हैं जो कि होता है सेंड्रॉन, जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इन पर भी ड्रैगन है लेकिन ये पोरुंगा जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। वो नेमेक प्लेनेट के पोरुंगा के ड्रैगन के बारे में ही अभी तक जानते थे, जिसमें ये जब सेंड्रॉन को देखते हैं कि ये हैरान होते हैं और वो और ज्यादा जब हैरान होते हैं कि जब वो तीन विशेष के बारे में जानते हैं और 7 ड्रैगन बोल्स के बारे में जानते हैं कि अर्थ पर ऐसा कुछ है जो कि तीन विशेष को पूरा कर सकता है। और वहां वो ये भी जानते हैं कि अर्थ पर भी नेमेकियंस हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो माजिन बू को देख रहे होते हैं जिससे गोकू लड़ रहा होता है और आखिरकार जैसे तैसे करके गोकू अपने एक फाइनल अटैक से माजिन बू को हरा देता है और अर्थ को दोबारा सेव कर लेता है। तो वो वहां देखते हैं कि माजिन बू से भी ज्यादा ताकतवर कोई वहां पर है और अब वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके रास्ते में जो भी डीमन रियल में आ सकता था उनके लिए उनकी बाधा बन सकता था वो अब बिल्कुल ही साफ हो चुके हैं। और सिर्फ एक परेशानी अब यहाँ ये है कि ये जो सेयंस है, ये जो ह्यूमंस है, ये इनसे काफी ज्यादा ताकतवर है तो ये भी इनके लिए एक परेशानी बन सकते हैं, जिसके लिए अब ये एक हल ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले अब हम यहाँ देखते हैं कि गोमा अब डीमन रियल का एक नया किंग है जिसकी बधाई देगुसु उसे वहाँ दे रहा होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं डॉक्टर अरिंसू को जो कि वहाँ देगुसु की बहन होती है और डीमन रियल की एक डॉक्टर होती है जो कि माजिन बू और अजीबो गरीब चीजों पर वहाँ पर रिसर्च करती है और उनके बारे में जानती है। और वही वो आकर वहाँ बताती है गोमा को कि जो भी तुमने अभी देखा कि जिसने भी माजिन बू को हराया है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके किंग बनने में वो आपकी बाधा बन सकते हैं, वो डीमन रियल में कभी न कभी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तब उनके दिमाग में आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, जिसका आइडिया गोमा ने पहले ही सोच रखा होता है कि उन्हें वो कैसे रोकेगा। जिसमें डॉक्टर अरिंसू कहती है कि आप अगर मेरी रिसर्च पर थोड़ा सा पैसा खर्च करें तो मैं इसका भी हल निकाल सकती हूँ। लेकिन वहाँ गोमा और डेगुसु आपस में बात करते हैं कि हम अर्थ पर जाएंगे और उन ड्रैगन बोल्स का इस्तेमाल कर उन करेक्टर्स को हम छोटा कर देंगे क्योंकि हम उसे कमजोर करने के लिए ड्रैगन से नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम उन्हें छोटा कर देंगे और उस उम्र में ला देंगे जब वो कमजोर हुआ करते थे। अब ये तो उनकी तीन विशेस में से एक विश होती है, जिसमें दूसरी विश उनकी ये होती है कि वो एक ईविल आई को मांगेगा जिससे वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए जिसमें वो सेयंस के उन पावर को भी हरा पाए जिसमें वो अभी है और उनसे जीत पाए। जिसमें वही तीसरी विश जब वो बात कर रहे होते हैं तो देगुसु कहता है कि क्या वो विश आप मुझे मांगने देंगे, जिसमें वो एक ईविल स्माइल भी देता है और उस विश के बारे में बात ना करते हुए वो सीधा अब अर्थ की तरफ जाने के लिए बढ़ जाते हैं, जिसमें अब वो ड्रैगन बोल्स को इकट्ठा करने के लिए एक नेमेकियन की मदद लेते हैं ताकि वो बड़े आसानी से उस ड्रैगन बोल को इकट्ठा कर पाए और उससे वो विश भी मांग पाए। वहाँ हमें एक बहुत बूढ़ा सा नेमेकियन देखने के लिए मिलता है जिसे तुम बिल्कुल भी हल्के में मत आंकना क्योंकि आगे इसकी जो पावर तुम्हें देखने के लिए मिलेगी उससे तुम समझ पाओगे कि नेमेकियंस भी कितने ज्यादा पावरफुल है। ये नेमेकियंस ऐसे ही नहीं है जिन्होंने ड्रैगन बोल्स को ऐसे बना दिया। और वहीं हम एक ऐसे करेक्टर को भी देखते हैं जो कि छुपकर इन
सभी की बातें सुन रहा होता है, जिसका नाम ग्लोरियो बताया जाता है। अब वो सभी भी सीधा यूनिवर्स 7 के अर्थ की तरफ जैसे तैसे करके बढ़ जाते हैं, और वहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि उनसे पहले डॉक्टर अरिंसु बाबिडी की खोज में गई थी। अब वो अर्थ पर जैसे ही पहुँचते हैं तो वो सीधा उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक नेमेकियन पहले ही मौजूद होता है, जो कि अपना होता है डेंडे। वहाँ वो लुकआउट पर सीधा जाते हैं, और मैंने पहले ही बताया कि सभी जी वॉरियर्स और सभी फाइटर्स एक शिप पर होते हैं और ट्रंक्स के बर्थडे में होते हैं, जिसमें हमें वहाँ ये पता चलता है गोकू द्वारा कि वहाँ पर गोहान नहीं होता। गोहान वहाँ किसी काम से कहीं दूर गया हुआ होता है, जिसके बारे में वहाँ वो बताता है। और उसी बीच हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ऐसे ही खाते हुए एकदम ही कहने लगते हैं कि चलो एक बार एक फाइट करते हैं, ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, और एक ट्रेनिंग सी करने लगते हैं। और दोनों काफी तेजी से आसमान में जाकर वहाँ फाइट करने लगते हैं, और हमें एक अच्छा सा बढ़िया सा एक्शन देखने के लिए मिलता है उन दोनों के बीच में, जो कि हर एनिमे की स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है। अब देखो एनिमेशन की बात हम लास्ट में करेंगे कि कितना बढ़िया तरीके से एनिमेशन इसमें किया गया है। अब वहाँ हमें ये पता चलता है कि ट्रंक्स 9 साल का वहाँ हो चुका है, यानी ये हमें उस समय का एज दिखाया गया है जिस समय पे शायद से बीरस अभी तक नहीं आया है, और ये टाइम सीधा माजिन बू के खत्म होने के सीधा बाद का है। और इसी बीच हमें वहाँ पर कायोसिन्स देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें देखकर गोकू एकदम ही पूछता है कि तुम दोनों तो एकदम जुड़ गए थे पोटारा की मदद से, तुम अलग कैसे हो गए? और वो वहाँ बताते हैं कि माजिन बू की गैस में कुछ ऐसा है जिससे हम अलग हो गए, जैसे कि तुम भी वेजिटो के रूप से अलग हो गए थे, उसी तरह हम भी अलग हो गए थे। अब गोकू और वेजिटा की एपिक फाइट के बाद कहानी दोबारा लुकआउट पर जाती है, जिस जगह पर डीमन किंग गोमा देगेसु और वो नेमेकियन होता है, जो कि ड्रैगन बॉल को वहाँ इकट्ठा करने के लिए कह रहे होते हैं। और वहाँ हमें एक नेमेकियन की एकदम अनोखी पावर देखने के लिए मिलती है, जिसे तुमने ड्रैगन बॉल में अभी तक नहीं देखा होगा। वहाँ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ड्रैगन बॉल का भी साल पूरा नहीं हुआ है, जिससे वो अभी भी पत्थर बने हुए हैं, लेकिन नेमेकियन अपनी वहाँ पावर दिखाता है और उन पत्थर बने हुए ड्रैगन बॉल को ही अपनी पावर से वहीं खड़े खड़े वहाँ उस लुकआउट पर ले आता है सातों के सातों ड्रैगन बॉल्स को, जिसे देखकर डेंडे और बाकी सब वहाँ हैरान होते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। अब वहाँ जब वो उन ड्रैगन बॉल्स को ले आता है तो वो अभी भी पत्थर बने हुए होते हैं, लेकिन इस नेमेकियन के लिए ये सिर्फ एक आम बात होती है। वो दोबारा वहाँ पर उस ड्रैगन बॉल्स को यूज करने लायक बना देता है, और यहाँ ये दिखा देता है कि नेमेकियंस ने ही उन ड्रैगन बॉल्स को बनाया है, और वहाँ उनको बिल्कुल नए तरीके से दोबारा ले आता है, और वहाँ सेंड्रोन को वहाँ बुलाने लगता है, और उन्हें वो पहले से ही पासवर्ड बता होता है कि वो सेंड्रोन को किस तरह बुलाएंगे। तो वहाँ वो उस सेंड्रोन को बुलाते हैं, जिसे देखकर डेंडे काफी ज्यादा हैरान होता है। अब वहाँ सेंड्रोन के आते ही पूरा आसमान काला हो चुका होता है, और जिसे देखकर सभी के सभी हैरान होते हैं। जी वॉरियर्स भी ये देखकर हैरान होते हैं कि सेंड्रोन आखिर इस समय कैसे आ सकता है, अभी तो पूरा साल भी पूरा नहीं हुआ है। वहाँ वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं, यही इस तरफ गोमा अपनी पहली विश मांगता है कि जिन लोगों ने भी माजिन बू से लड़ाई की थी उन्हें बच्चा बना दिया जाए, और जो पहले ही छोटे बच्चे हैं उन्हें एकदम बेबी बना दिया जाए। और वो जब वो ऐसे ही अपनी पहली विश मांगते हैं तो वहाँ उसके पूरा होते ही हम वहाँ सभी को देखते हैं कि उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो चुकी होती है, और वो बच्चा बनना शुरू हो चुके होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा वहाँ बच्चे बन चुके होते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। बाकी एपिसोड 2 के प्रीव्यू में हमें देखने के लिए मिलता है ग्लोरियो, जो कि एक अच्छा डीमन बनने की कोशिश करता है, और अर्थ पर आकर आगे जाके हमें यह देखने के लिए मिलेगा कि वो सभी को बताएगा कि क्या क्या हुआ है और वो कैसे दोबारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आखिर उनके साथ किसने ऐसा किया है, वो सब चीजें हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी। साथ ही आगे की विशेष भी हमें शायद से एपिसोड 2 में ही देखने के लिए मिलेगी। बाकी एपिसोड 2 में क्या होता है बहुत जल्द ही तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। बाकी एपिसोड 2 को भी जानने के लिए तुम कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी अगर तुमने ये एपिसोड देखा होगा तो इसका एनिमेशन तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया ही होगा, क्योंकि इस एनिमेशन में हमें बिल्कुल भी कमी देखने के लिए नहीं मिली है। उन्होंने जितना अच्छा हो सकता था उन्होंने एनिमेशन में अपना दिया है। जैसे कि हमने ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्टिंग में देखा था वैसा कुछ हमें देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर किसी तरह की कमी नहीं थी, बहुत अच्छे एक्शन सीन्स, अलग अलग वर्ल्ड के बिल्डअप को भी हमें इसमें दिखाया गया है, जो कि अच्छी तरह से तुम्हें देखने के लिए लगा ही होगा। बाकी इसमें हिडन की चीजें देखने के लिए जो तुम्हें मिली है वो है नेमेकियंस के बारे में, कि नेमेकियंस आखिर ड्रैगन बॉल को क्रिएट कर सकते हैं, तो जब चाहे जो चीज कर सकते हैं, वो हमें इसमें देखने के लिए मिला है, जिसमें तुम ये देखकर समझ ही गए होगे कि उन्होंने पत्थर से दोबारा उस ड्रैगन बॉल को यूज में ला दिया है, यानी उस पर जितने भी लॉक है उन्होंने खुद लगाए हैं, तो वो खुद उन लॉक्स को खोल भी सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आगे भी हमें नेमेकियंस के बारे में बहुत सी चीजें जानने के लिए मिलेगी, और इन डीमंस के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा कि ये डीमंस आखिर किस तरीके से कहां-कहां बसे हुए हैं। बाकी अगर देखो GT से
से कंपेयर काफी लोग इस चीज को कर रहे थे, तो मैं कहूंगा देखो कंपेयर करो, वो चीज अलग है ये चीज अलग है। इसमें मेरे ख्याल से क्रिएटर ने ये इस एनिमे को इसलिए ही बनाया गया है कि जितने भी मिस्टीरियस डिटेल या चीजें ड्रैगन बॉल में अभी तक छूटती आ रही थी उन्हीं सभी चीजों के बारे में अब ये धीरे धीरे ये इस एनिमे में कवर करेंगे और ओरिजिनल स्टोरी जो हमारी चलती आ रही है वो मांगा में ये लेकर चलेंगे, जिसको देखते हुए मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम्हें मजा जरूर आएगा और एकदम कंप्लीट सी स्टोरी तुम्हें ड्रैगन बॉल की स्टोरी तुम्हें देखने में लगेगी जरूर। अब देखो अगर तुमने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना और ऐसे ही एपिसोड 2 को देखने के लिए और उसके बारे में ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी नरेशन के लिए कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को तो लाइक करके जरूर ही रखना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज जरूर से कर लेना। बाकी एपिसोड 1 तुम्हें कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।